हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट में। आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में। तो हम पिछले लेक्चर में देखे थे ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में। तो ओशन बॉटम रिलीफ में हम देखे थे कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज। तो आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में। तो हम इसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ में बात करेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से लिक्विड पेट्रोलियम वगैरह कौन सा फ्यूल पाया जाता है जो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, और यहाँ पे मैरीन एक्वेटिक मैरीन जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये सब कुछ हम जानेंगे। और यहाँ पे मिनरल वगैरह क्यों पाया जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ये जो है ओशन का सबसे शैलोएस्ट पार्ट होता है, और इसकी डेप्थ 200 मीटर लगभग 200 नियर अबाउट 200 मीटर तक होती है। और इसको हम फोटोइक जोन भी बोलते हैं। फोटोइक जोन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ में यहाँ पे 200 मीटर तक जो है सनलाइट सबसे ज्यादा पहुंच जाती है, तो इसको हम फोटोइक जोन बोलते हैं। और फोटोइक जोन में मरीन लाइफ है, मरीन जैसे कि फिश, क्रैब वगैरह, ये यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे इनकी डेड बॉडी भी होती है। तो यहाँ पे बायोजेनिक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स भी होते हैं। यहाँ पे लैंड, इसको टेरिजियस बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेरिजीनियस, कि यहाँ पे क्या होता है जब सी वेव जो आती है यहाँ पे लैंड पे, तो उसको इरोड करती है, इरोड करके यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे लेके जाती है। तो यहाँ इसको बोलते हैं टेरिजीनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 90% ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व अब द वर्ल्ड फाउंड इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन है। जैसे कि आप कोल को देखे होंगे, एक कोल कैसे बनता है आपको पता होगा, उसमें प्लांट चाहिए होते हैं, एक टेम्परेचर प्रेशर पे जब टूट जाता है तो उसके बाद वो कोल बनता है। उसी तरह यहाँ पे पेट्रोलियम बनने के लिए क्या होता है, तो कुछ प्लांट तो चाहिए ही होंगे, और उसके साथ क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी भी चाहिए होते हैं, जो एक टेम्परेचर प्रेशर के बनने के बाद, मिलने के बाद जो है पेट्रोलियम बनता है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे क्या होता है, ये प्लांट भी होते हैं, और वहाँ के जो मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मरीन फिश वगैरह होती है, फिश वगैरह वहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ पे वो उनकी डेड बॉडीज भी मर जाती हैं, तो वहीं पे वो रह जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक टेम्परेचर प्रेशर बनने के बाद वो पेट्रोलियम बनता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, पर्शियन गल्फ, नॉर्थ सी, बैरेंट सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो रिसोर्सेज एट कॉन्टिनेंटल सेल्फ में हम देखेंगे कि देखिए सल्फर जो है रेयरली फाउंड ऑन लैंड, सल्फर जी है बहुत ही रेयरली मिलता है लैंड पे। और अवेलेबल इज सी ड्यूरिंग मैरीन वॉल, ये अवेलेबल कब होता है, जब ये मरीन वॉल्केनिज्म होता है, मरीन मतलब समुद्र में जब वॉल्केनिज्म, तो हॉटस्पॉट व एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको रिच सोर्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे अमेरिका यूएस जो है बहुत ही तेजी से यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे रिसोर्स और है कि ग्लेशियल डिपोजिट क्या होता है, यहाँ पे जब क्या होता है वेव एक्शन होता है तो इरोड करती है जब बीच को, तो क्या होता है इसमें, तो कुछ जब इरोड करती है तो क्या होता है, रॉक में कुछ हैवी एलिमेंट होते हैं और कुछ बहुत हल्के होते हैं, तो हल्के वाले दूर हो जाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, और जो हैवियर होते हैं वहीं पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये हो जाता है, तो मिनरल जो है अलग हो जाता है इसकी वजह से। तो मोनजाइट इसका एग्जांपल है, मोनजाइट जो है केरला में सोर्स ऑफ थोरियम है, केरला में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और हमारे यहाँ अभी रिसर्च चल रहा है थोरियम से सिविल जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। तो और ऐसे ही अलास्का में गोल्ड पाया जाता है, और ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया में जिरकॉन पाया जाता है, और डायमंड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम जो लिस्ट सॉल्युबल इन ओशन वाटर, कैल्शियम जो होता है बहुत ही लिस्ट सॉल्युबल नहीं होता है ओशन वाटर में। तो पेरुवियन कोस्ट पेरू में है, या साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका, वहाँ पे पेरू है, वहाँ पे पेरुवियन कोस्ट मिल जाएगा आप। तो वो
कैल्शियम फॉस्फेट का बहुत ही रिच कोस्ट सोर्स है, वहाँ पे फिशेज आर रिच इन नाइट्रेट फॉस्फेट हाई प्रोटीन मेडिकल यूज, और यहाँ पे पर्ल्स भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, तो और हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। तो बने रहिए, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, थैंक यू।